subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तांडी सुपर कुकिंग शो में, सब खैरियत सां हूंदा। जेके रेसिपीज टाइम पे सियारे जे हिसाब सां तमाम मजेदार रेसिपीज जे में तांजी फरमाइशूं भी आइन, आई काफी सारी रेसिपीज अड़ियूं भी आइन, खादा आइन, चायूं आइन, नई मिठाइयां जेको मां तांखे ठाहिण सेखारां पियो, इनके एंजॉय कजो, सियारे में तमाम सुठी लॻंदी इन टाइप जी रेसिपीज। आई अॼु जेको मां खादा ठाहियां पियो, फरमाइश हुई, मूंखे एरिया याद न आहे, सिटी याद न आहे, रेस्टोरेंट स्टाइल जी चिकन कढ़ाई त उहो फरमाइश आहे, ऐं हिकिड़ी अदी जी फरमाइश हुई कराची खां बॉयल अंडनि वारी बिरयानी, बॉयल बेदनि जी बिरयानी, मज़ेदार चटपटी बिरयानी जेका सियारे में तमामु सुठी लॻंदी आहे, ईज़ी रेसिपीज़ आहिनि। ऐं हिन सां गॾु बदाम वारी चांहि ठाहे पियो, चांहियूं काफ़ी सारियूं तव्हांखे ठाहे सघंदा आहियूं, बदाम वारी चांहि बि तमामु आसान आहे, ऐं इहो तव्हां पीअंदो तव्हांखे मज़ो ईंदो। ऐं जीअं कश्मीरी चांहि ठाही हुई तमामु सुठी, हे बि बिल्कुलु डिफरेंट आहे, त इहे चांहि तव्हां ज़रूरु ठाहिजो। ऐं सुबुह जो 11 लॻे रिपीट हले थो, हाणे चेंज थी वियो आहे असांजो रिपीट टाइम, कुकिंग विद शेफ मुंहिंजो पेज, हुते रेसिपी अपलोड थींदी आहे। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, ऐं अगरि हिनजो ऐप डाउनलोड करणु चाहियो मोबाइल ते त SinTV नेटवर्क तव्हां प्ले स्टोर तां अपलोड करे सघो था, डाउनलोड करे सघो था, उहो तव्हां वटि ऐप अची वेंदो, हुन में तव्हां SinTV जा सॼा प्रोग्राम्स ॾिसी सघो था, लाइव शोज़ ॾिसी सघो था। अॼु की जो रेसिपी बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहा हूँ, चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल की फरमाइश थी तो ये भी पूरी कर रहे हैं, और उसके साथ अंडे की बिरयानी, बॉयल एग्स की बिरयानी बनेगी, मज़ेदार चटपटी बिरयानी सर्दियों के हिसाब से। उसके अलावा बादाम की चाय बना रहा हूँ, डिफरेंट चाय आपको बनाना सिखाई, बादाम की चाय भी बहुत ही मज़ेदार बनती है, डिफरेंट सा फ्लेवर होता है बादामी इसमें, ये रेसिपीज नोट कीजिएगा। अब रिपीट टाइम हमारा चेंज हो चुका है, सुबह पहले 12 से 1 चलता था, अब 11 से 12 चलता है, यानी 11 बजे नेक्स्ट डे कल रिपीट चलेगा, ठीक है। कुकिंग विद शेफ मेरा पेज है फेसबुक पे, हमारी रेसिपीज अपलोड हो जाती है, वीडियोज के लिए सर्च करें SinTV HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, या फिर आप इस तभी सर्च करती हैं कर सकती हैं कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे, आपको मेरे सारे प्रीवियस प्रोग्राम लास्ट वीक तक के मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करने के लिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाके SinTV नेटवर्क आप डाउनलोड करें तो वहाँ पे आप लाइव प्रोग्राम्स भी देख सकती हैं। इंशाल्लाह किचन में चलते हैं, रेसिपीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेसिपी जो असं स्टार्ट कंदासीं वह है चिकन कढ़ाई ऐं हुन सां गॾु अंडे जी बिरयानी, यानी बेदनि जी बिरयानी, लेकिन बॉयल बेदनि जी बिरयानी ठहंदी, मज़ेदार इहा बिरयानी आहे। त असां पहिरीं स्टार्ट कंदासीं बिरयानी जी रेसिपी, हुन खां पोइ ईंदासीं कढ़ाई ते, हुन खां पोइ ठाहींदासीं चांहि, ठीकु आहे। बिरयानी लाइ हमेशह चांवर बॉयल कबा आहिनि, सेला चांवर खणो त उहे 2 कलाक पिसाइबा आहिनि, सुठा वारा सेला चांवर, नॉर्मल वारा सेला चांवर में कॾहिं बिरयानी न ठाहींदा कयो, जेको 70-80-100 रुपए किलो वारा आहिनि, उहे मोटा चांवर हूंदा आहिनि, ख़राबु थी वेंदा आहिनि, बिल्कुलु खिचड़ी ठही वेंदी आहे। सुठा चांवर वठो या बासमती चांवर जेका सुठा वारा हूंदा आहिनि बिरयानी जा, उहे सिर्फ़ु बॉयल कयल आहिनि, तक़रीबन 15-20 मिंट चांवर पिसाइजो, 1/2 खाइण जो चमचो लूणु, ठीक आहे, 1/2 किलो में 1/2 खाइण जो चमचो लूणु विझंदो, पाणी में बॉयल थींदो पाणी, हुन खां पोइ चांवर विझिजो, 1 कणी बॉयल थींदो, 6-8 मिंट पाणी में चांवर बॉयल करे 1 कणी बिल्कुलु फुल बॉयल न कजो, कढी वठिजो। अगरि सेला चांवर यूज़ कयो पिया त हुनखे 2 कलाक या 1.5 कलाक विझाइण खां पोइ हुनखे 10-15 मिंट बॉयल कजो, उहो फुल बॉयल करणा आहिनि, लेकिन उहे टुटंदा न आहिनि, साबित रहंदा आहिनि, बिल्कुलु क्लियर थी वेंदा, कढी वठिजो छाणी में, ठीकु आहे। चावल जो हमने यहाँ पे यूज़ किए, बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं, बासमती चावल 15 मिनट पहले भी गोएं, 3 से 4 जग पानी काफ़ी होता है, या 4 जग भी ले सकती हैं, 1/2 किलो चावल है, उसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक डालें, चावल बॉयल होने लगेगा, 1 खाने का चम्मच उसमें ऑयल डाला, चावल डालें, 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपने बॉयल करना है, और 1 कनी बॉयल करके निकाल दें। सेला चावल यूज़ करें, अच्छा वाला सेला चावल लें, 150-160-170 तक का, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, वो 2 घंटे बॉयल भिगो के रखें, उसके बाद इसी प्रोसेस से बॉयल करें, ठीक है, लेकिन उसको आपने 15 मिनट बॉयल करना है, सेला चावल फुल बॉयल हो जाएगा, उसको फिर आपने निकाल के स्ट्रेनर में निकाल के इस तरह बॉल में रख दिए। अंडे हमने बॉयल किए हुए हैं यहाँ पे, बाकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। सभिनी का पहिरीं छा कंदासीं, असां कंदासीं बसर के ब्राउन गोल्डन कलर में, ठीक है, इसमें पानी है, मैं वो ड्राई कर लेता हूँ। प्याज हमने क्या करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट गोल्डन ब्राउन करें प्याज, क्योंकि वेजिटेबल स्टाइल की बिरयानी बीफ के साथ या चिकन के साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं प्याज, फिर उस पर भूनते हैं उसको तो वो और ब्राउन हो जाता है, लेकिन ये अंडों के साथ बन रहा है, ठीक है। ऑयल यहाँ पे लेंगे कितना, 1/2 कप, 1/2 कप ऑयल खणंदासीं, 1/2 कप ऑयल डाल रहा हूँ, ठीक है। 1/2 कप ऑयल के साथ हमने 1 प्याज लेना और साबित गर्म मसाला इसमें डालना है। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलायो प्या मा सखर मा जी, सखर मा गलाया पे जी, कुछ चंड चाहिंदो अदी
अदा मां पिज़्ज़ा पराठो मुके नथो अचे पचाण मुके पिज़्ज़ा पराठो मथे हफ्ते मां ठाइंदम त तां ॾिसी वठजो ठीक आ मां सखर मां अब्दुल्ला गली मां ॻाल्हायां थी जी अब्दुल्ला गिटी सखर मां ॻाल्हायां हलो ठीक आ पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखिजो मथे हफ़्ते में ॾिसजो मां पिज़्ज़ा पराठो ठाहींदमि त उहो तव्हां ॾिसजो ठीक आहे दी ओके जी अच्छा यहाँ पे जैसे ऑयल गरम होगा हाफ कप ऑयल लिया है साबित गरम मसाला इसमें जाएगा क्या क्या जाएगा तेज पत्ता एक बड़ा या दो छोटे तेज पत्ते चार अदद छोटी इलायची एक अदद बड़ी इलायची एक अदद दालचीनी की डंडी स्टिक चार से छह अदद लौंग साबित काली मिर्च एक चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा एक चाय का चम्मच ठीक है इतने तेज पत्तो हलो हो एक वडो या बड़ नंढा भी छोड़ो दालचीनी की एक वड़ी डंडी वडो फोटो एक नंढा फोटा चार लौंग चार का छह अदद भी छोड़ो कारा मिर्च साबित एक चाय जो चमचो ठीक है उन सा अच्छो जीरो है एक चाय जो चमचो ये सब मिक्स है गरम मसालो यो भी छोड़ो ठीक है साबित गरम मसाला डाल दिया मिक्स इसमें हल्का सा अरोमा आएगा ज़्यादा इसको भगार नहीं करना फिर इसमें प्याज डालेंगे प्याज के साथ ये खुद ब खुद इसमें अरोमा आ जाएगा खुशबू आ जाएगी एक बड़ा प्याज लें या दो दरमियाने साइज के प्याज हैं हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ ठीक है एक वड्डी बसर है या नंढी दरमियाने साइज जो बसर खणजो और इनके हाँ इनमें गाढ़ो कदासी बसर के जेस तक गरम मसाले जो की खुशबू इनके अंदर अची वी ठीक है दोबारा बता रहा हूँ हाफ कप ऑयल गरम किया उसमें साबित गरम मसाला डाला एग बिरयानी बन रही है साबित गरम मसाले में एक दालचीनी की स्टिक एक बड़ी इलायची चार से छह अदद छोटी इलायची पहले कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कह रहे हैं कितना गलाया प्या जी फिजा लाख का नाम गलाया पी जी यदि कुछ चैन चाहिए जी अगर कान प्रोग्राम डाल सो है शॉप सन करायो मेहरबानी तमाम बनी अदा मुखे जो को आखरी फरमाइश करनी कोफ्तन जी फरमाइश करनी कोफ्ता चिकन में या बीफ में चिकन कोफ्ता ठीक है मैं नोट करे तो वठा एक ब वीक तांगे इंतजार करनो पेंदो इंशाल्लाह जरूर ठाई देंदम ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा ठीक है साबित गरम मसाला डाला उसका आपने भगार किया भगार करने के बिल्कुल हल्का सा खुशबू आने लगे प्याज डाल दें दो अदद दरमियाने साइज की या एक बड़ी प्याज हाफ स्लाइस कटिंग करके डाला और उसको फ्राई होने दें प्याज को मैंने कवर कर दिया ताकि वॉल्यूम में डिस्टर्बेंस ना हो वरना आप लोग ऐसे ही भून के आप लोग ने कर लेना है ठीक है अध कप ऑयल खड़म गरम कंदो उनमें एक वडो पोटो चार का छह नंढा पोटा चार का छह लौंग एक दालचीनी की डंडी विझंदो ठीक है उनका अच्छो जीरो एक चाय जो चमचो आई साबित कारा मिर्च एक चाय जो चमचो आई तेज पत्तो एक वडो विझी छो दालचीनी की एक डंडी विझी छो ठीक है गरम मसालो विझी हल्की सी खुशबू अचे मिक्स कजो ऑयल में गरम में उनका इनमें बसर विझी छो बसर में केतरो विधो इनमें बसर में एक गंढ विधी है वडी अगर नंढी हुई तो ब विझी छो बसर के इतने गाढ़ो कंदी जैसे बसर जो कलर ब्राउन थे लगन इनमें अदरक थूम जो पेस्ट वो ब खण जहा चमचा उन टमाटा विझंदी इनमें ब अदद ठीक है उनका इनमें एक कप दही वी बाकी जो मसाला वे सब अस घरवारा यूज कंदी मजेदार मसाला कॉल वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम परवीन बात कर रही हूँ जी जी क्या हाल है आपके परवीन अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपकी माशाल्लाह आपकी रेसिपी तो बहुत अच्छी है थैंक यू वेरी मच अच्छा फैजल भाई मैं आपने मेरी फरमाइश नहीं पूरी की मुझे बता दें कोई कौन सी फरमाइश रह गई है मैंने सोन हलवे का बोला था आपको हाँ सोन हलवा मुझे बनाना है सोन हलवा आपका रह गया है सोन हलवे का असल में मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ देखें सोन हलवा हम जब बनाते हैं ना शुरू करते हैं तो कम अज कम डेढ़ घंटे का डेढ़ से दो घंटे लगते हैं इसके प्रोसेस में ना मेरे अच्छा। प्रोग्राम का टाइम होता है 50 से 55 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा बीच में जैसे सिर्फ सोहन हलवा बनाऊ उसके साथ कोई भी चीज ना बनाऊ एडजस्ट करके इंशाल्लाह बना दूंगा जल्दी वैसे प्लीज बना दे वो मेरा फेवरेट हलवा है अगर आप पेज मेरा ज्वाइन किया हुआ है ना तो मैं आपको वहाँ पे पूरी रेसिपी दे देता नहीं ना आपका पेज नहीं ज्वाइन किया हुआ चले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की या कोई ऐसा मौका मिला कि प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना पड़ा तो रिकॉर्डेड शो में मैं वो बना सकता हूँ वो फिर टाइम हमारे मिल जाता है तो वो प्रोग्राम चला देंगे ठीक है ठीक है बहुत बहुत मेहरबानी थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा बसर इतने गाढ़ो थे कवर भी करण का भी लेकिन छड़न ना खपे हे अस नॉन स्टिक हों था इन करे खतरो न तो हो कि बसर सड़ी वो मसालो सड़ी वो लेकिन नॉर्मल पतीलन में बसर हमेशा गाढ़ो थे कारो थे शुरू थी ठीक है प्याज यहाँ पे गोल्डन कलर होने लगा जैसे प्याज हमारा गोल्डन कलर में आएगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ठीक है एक अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा उसके साथ हरी मिर्च भी इसमें चॉप करके एक डालूंगा हरी मिर्च चॉप करके डालने से क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में या किसी और सालन में एक ज़रूर डाला करें ठीक है यहाँ पे मैं एक अदद हरी मिर्च का पेस्ट भी चॉप करके इसमें डालूंगा कॉल बैठूँ था अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम जी यदि कह रहे हैं कितना गलाया प्यार
अदा मां वहीदा शाह थी ॻाल्हायां कराची खां जी। अदी छा हाल आहिनि तव्हांजा? शुक्र अलहमदिल्ला अदा मां ठीकु आहियां। अदा हे मुंहिंजी भाणे जी नोशाबाजी फरमाइश आहे, सुशी इहे रस्ते ई छा आहे, कहिड़ी आहे या सुशी जंहिंजी नालो आहे? वरी ॿुधाइजो छा शइ? सुशी, सुशी खुशी सुशी। हा छा शइ खाइण जी का शइ आहे? हा हा दा ये होटलन में आम हले थी पई। अलाए केड़े होटल में? मके होटल जो नालो बुधाइजो, मके ये खबर ना छा करदा अदी। खुशी एड़ो मा नालो बुधियो ना है, ठीक है। बाकी ही का स्पेशल रेसिपी हुंदी वन पांजो होटल वारो पांजो भी नालो रखी छंदा इन हनन के स्पेशल करला। अच्छा होटल जो नालो पुछी बुधाइजो मके, त पो मा दिसा केड़े रेस्टोरेंट में आया केड़ी शय पो खबर पेजी वेंदी, ठीक है। कीमो ठाहिणो आहे मच्छी जो, मच्छी जो ॿ टे क़िस्म जा सालन ठाहिणा आहिनि, त हीअ तव्हां ॾिसजो, ठीकु आहे। छा नालो आहे जी? गोल्डन फ्राई थी वियो, अदरक थूम जो पेस्ट विधो ॿ खाइण जा चमचा, जीअं जी खुशबू निकिरे अदरक थूम जे पेस्ट जी, थोरो कचोपन ख़तम थींदो। हिन में टमाटा ॿ अदद विझंदासीं, ठीकु आहे। दो अदद टमाटर डालेंगे दरमियानी साइज़ के, क्योंकि दही भी जाएगी तो बहुत ज़्यादा टमाटर से मसाला बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए दो टमाटर डाल दिए। ॿ अदर टमाटा विधा, अदरक थूम जो पेस्ट विधो, टमाटा जेसिताईं नरम थियनि पिया, हाणे हिन में मसाला चैड कंदासीं। कुटियल ॻाढ़ा मिर्च विझंदासीं हिकु चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। पीठल ॻाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, हैड भरे विझंदासीं हिकु चांहि जो चमचो, पीठल धाणा ॿ खां टे चांहि जा चमचा, ठीकु आहे। इहो विझी छॾियो, हुन सां गॾु अधु चांहि जे चमचे खां घटि कुटियल कारा मिर्च हलिया विया, हिनखे भुञंदासीं मसाले खे। ऐं पोइ हाणे हिन में मां लूणु विझां पियो ॾेढ चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। अधु किलो जे हिसाब सां ॾेढ खाइण जो चमचो, ॾेढ टेबल स्पून असां चांवरनि में विधो, हिन में असां विझंदासीं ॾेढ चांहि जो चमचो, टेबल स्पून न विझिजो, ठीकु आहे। हिकु ऐं अधु ॾेढ चांहि जो चमचो थी वियो, ठीकु आहे। हे लूण जो बैलेंस रखिजो, वधीक मसालो पोइ आउट थी वेंदो आहे, ठीकु आहे। हमने क्या किया, प्याज ब्राउन किया गरम मसाले के साथ, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट को हल्का सा भून के टमाटर दो डाले, टमाटर थोड़े फ्राई होने लगे तो इसमें कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर तीन चाय के चम्मच डाल दिए, या दो टेबल स्पून भी डाल सकती हैं। फिर उसके बाद काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून से थोड़ा कम कुटा हुआ डाल दें, और नमक डालना है डेढ़ चाय का चम्मच, चावल बॉयल की तो डेढ़ खाने का चम्मच डाला था, यहाँ डेढ़ चाय का चम्मच डाला। इस मसाले को हल्का सा भूने, जब इसमें खुशबू आने लगेगी, टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो हम इसमें डालेंगे दही। कितनी दही डालेंगे? एक कप, ठीक है। एक पाव से थोड़ी कम होगी, 200 ग्राम के करीब इसमें दही चली गई, एक कप दही हली वही। दही डाल के इसको मसाले को भूने, ठीक है। जैसे ही मसालो दही संगत भुंजे पियो, इनमें छाछ विंदी सावा मिर्च कटिंग करे विझंदासीं, हरी मिर्च एक अदद चॉप करके डालिए। उसके बाद मैं इसमें क्या डालूंगा, जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री जो पाउडर ना है तो उनके बगैर भी ठही वेंदी, अगर मिले तो ज़रूर विझो, इनका बिरयानी जी खुशबू ईंदी आहे, ही वेंदो हिकु चांहि जो चमचो। कॉल वठो था, अस्सलाम वालेकुम। तो फैसल भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रही हैं? अफशा कराची से बात कर रही हूँ जी। अफशा क्या हाल है आपके? मैं खैरियत जी। कुछ कहना चाहेंगी? फैसल भाई मुझे आपको बताइए, शादियों में सैलेड्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? बड़े खूबसूरत लगते हैं वो, मतलब देखने में तो और खाने में भी मजे के होते हैं। अली भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएगा, क्या कह रही है, मुझे आवाज आपकी कम आ रही है। शादियों में जो सैलेड्स होते हैं ना, उनको बता दें कौन कौन से होते हैं, बनाना भी सिखा दें आप। फ्राइड राइस चाइनीज जो होते हैं? नहीं नहीं सैलेड्स बार। मुझे आवाज नहीं समझ आ रही आपकी। सैनिट सैनिट सलाद। आप यूं करें, कंट्रोल रूम में बता दें, अली भाई इनसे पूछ लें, सैंडविच सैलेड। सैलेड्स होते हैं ना शादियों में, वो कह रही हूँ। अच्छा सैंडविचेस बनाना सिखा दूं? जी जी ठीक है, सैंडविचेस मुझे बनाने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बनाएंगे, ठीक है। पूरा तीन चार किस्म के सैंडविच बनाना सिखा दूंगा एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा मसाला फ्राई हो रहा, अदरक लहसुन जायफल जावित्री का पाउडर डाला, अब इसमें खुशबू आ रही, ऑयल ऊपर आ गया। बॉयल अंडे सख्त बॉयल किए हुए 6 अदद इसमें जाएंगे, 6 अदद बेदा सख्त बॉयल थियल बेदा हिन में हली वेंदा। अगरि वेजिटेरियंस फैमिलीज ठाहियो पिया त बग़ैर बेदनि जे पटाटनि में इहा भाॼी ठाही सघो था, पटाटनि खे बॉयल करे विझी छॾिजो। वॾा पटाटा खणिजो, चार चार पीस करे बॉयल करे
अध किलो जेड़ा पटाटा भी छो मटर भी इनमें विझी सको था ठीक है इन्हीं तरीके से वेजिटेबल बिरयानी भी ठंडी है कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम अलग सलाम खुश आए पुट तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक ताम दयो छ हालन ता जा हां अल्लाह सही शुक्र आ सुनातो ना पुट जी सुनातो हां हां क्लिफ्टन का गला बता की ना सुनाना हां बिल्कुल बिल्कुल अच्छा था खायो मां भी आंटी भी खोलिया मां बेदन जी बिरयानी ठाए पे चटपटी बिरयानी बॉयल बेदन जी एंड सगर चिकन कढ़ाई ठाए पे रेस्टोरेंट स्टाइल में चलो माशाल्लाह सा ट्राई करना भाई बादाम वाली चाय भी आए अच्छा अच्छा माशाल्लाह ठायो तो सा ट्राई करदा से दिसम दा जरूर जरूर ट्राई कजो हां मुझे सब दिसम दा वटा फैमिली पूरी बैठी है सलाम चाहिए जो सबनिन के ठीक है हां वालेकुम सलाम तां सलाम के जब सब दिन निकले वालेकुम सलाम थैंक यू पंजो ख्याल रख जो अल्लाह हाफिज अच्छा बेदा इनमें विजी फ्राई कबा ठीक है अंडे इसमें डाल के हम फ्राई करेंगे जैसा इनमें बेदा विजी फ्राई के यहां पे कोई शॉर्ट ब्रेक वटू था ब्रेक खा पहुंची रेसिपी कंटिन्यू करना सी वटू था कि शॉर्ट वेलकम बैक नाज़िम ब्रेक ते उन्हें खपे तुम सामू इनमें मां बेदा विझी छड़िया हुआ इनके थोड़ी देर भुनियो वरी कल कवर कर छड़िया ताकि बिल्कुल इनके मथा कोटिंग अच्छी बने ठीक है अंडो को अच्छी तरह मसाले में फ्राई किया फ्लेवर इसके ऊपर आ जाएगा और इसका कलर देखें इस तरह का हो जाएगा ठीक है इसके बाद अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर गरम मसाला पाउडर लास्ट में डालेगा हाफ टी स्पून आधा चाय जो चम्मच हो गरम मसाले जो पाउडर लियो ठीक है आधा चाय का चम्मच गरम मसाले पाउडर डालने के बाद आलू बुखारा अगर आलू बुखारा नहीं है तो इमली के इस तरह पीसेस कर दें ड्राई ठीक है ये मैंने इमली के इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग को ये ऑप्शन मिल जाए इस तरह इमली ड्राई होती है इसके पीसेस तोड़ के आपने डाल देने छः से आठ अदद आलू बुखारा है तो आलू बुखारा छः से आठ अदद रख दें ठीक है आलू बुखारा आहिन तो उवे जो न तो गिदामड़ी जा पीसिस करें खुश गिदामड़ी के अंदर हथ से तोड़े तोड़े पीसेस बिज से गढ़ी विछजो छः खा अदद ठीक है उनका पूछा विझासी इनमें सावा धाणा अध कप जितना हाफ कप हरा धनिया चूल्हा में बंद कर रहा हूँ पुदीना हाफ कप ठीक है थोड़ा सा बचा के रखा हरी मिर्चें साबित पाँच से छः अदद पंज का छः अदद सावा मिर्च अदरक जुलियन कटिंग की भी वन टेबल स्पून एक खाने के चमचो अदरक जुलियन कटिंग थे है मथा हली वही उनका विझासी बॉयल राइस ठीक है बॉयल राइस हाफ के जी बॉयल राइस है इसको खोल देता हूँ ये आपने इसमें डाल देने ठीक है ऊपर से आपने गरम मसाला पाउडर डाला उसके बाद आपने इसमें हरा मसाला डाला हाफ कप हरा धनिया हाफ कप पुदीना अदरक बारीक पारचे कटे हुए और उसके साथ आपने हरी मिर्चें साबित डाल दी कॉल बटूँ था अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम जी कह रहे हैं कि था गलाया क्या दी जी आऊँ गुलेश दे रहा थी गले लड़का नाम जी अधिक कुछ चैन चाहिए दो जी ये तो ये चाट है रहेगा बिरयानी ठाए पे बेदन जी बॉयल एग्स बिरयानी है अच्छा तो रिपीट करें ही ना बिल्कुल बिल्कुल अधी महाने रिपीट करें तो ताँ टीवी बट बनो ठीक है जी जी बिल्कुल थैंक यू थैंक यू अच्छा आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया बचा के रखें पुदीना ऊपर से फिर डाल दें ताकि इसमें फ्लेवर आ जाएगा खुशबू आ जाएगी चावलों में ठीक है चावरन में थोड़ा सावा धाणा पुदीनों जो पत्ता बचाए रखे अदरक मथा विधे केवड़ा वाटर ना है तो अरके गुलाब खड़ी वटो एक खाने जो चमचो केवड़ा वाटर डाल दें या अरके गुलाब एक खाने का चम्मच यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मेरे पास जर्दे का रंग है इसमें थोड़ा सा दूध डाल रहा हूँ दो से तीन टेबल स्पून अध चाय जो चमचो जर्दे जो रंग आए ठीक है इनके अंदर मां ब खाने जो चमचा छावे दो है जर्दे जो रंग जर्दे का रंग डाल दिया इसको अच्छी तरह मिक्स करें दूध में और ये आपने इस तरह इसके ऊपर ड्रॉप करके डाल देना ये हो गया जर्दे का रंग आ गया ठीक है इसके बाद हमने क्या करना है इसको कवर करना है और दम पे लगा देना है रेसिपी में फिर थोड़ी देर में रिपीट कराना शुरू करता हूँ ठीक है इनके मैं तो शिफ्ट किया तो हाँ इंदासी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई थे ठीक है अब इसको दम पे लगा देते हैं हमारे चावल बॉयल हैं बस इसको 25 मिनट दम पे लगाने के बाद आपने डिश आउट करना है और अंडे फिर काट के इसके ऊपर रखें या साबित आप रखें छः अंडे ये छः अफराद के लिए बिरयानी है इस क्वांटिटी में ठीक है बिरयानी की रेसिपी भी रिपीट हो जाएगी अभी जी कौन है अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कह रहे हैं कितना गलायो क्या भाई कुकिंग बिरयानी सिखाए जी बिरयानी तो बना मच्छी पुला अच्छा ठीक है मैं बना दूंगा ठीक है ओके जी हे
थोड़ा क्लियर कर बैठा। अब आते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, ठीक है। रेसिपी में इसके साथ साथ रिपीट कराता रहूँगा बिरयानी की। जैस टाइम चिकन फ्राई स्टार्ट किया था, चिकन में भी थोड़ा टाइम लगन है। एक कढ़ाई खड़ो था अध किलो के हिसाब से चिकन कढ़ाई आई जी फरमाइश हुई अदीन जी वो पूरी थन पी हूँ, ठीक है। लास्ट वीक तक संडे वाले डी सही फरमाइश हो तो वही सब पूरी क्या पे जी। यहाँ पे भी हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल लेना है और कढ़ाई कट आपने चिकन करवा लेनी है हाफ के जी। अध किलो चिकन कढ़ाई नंडी साइज में बूटियों कटिंग कराई छो अध किलो का ट्रे पाई आए और अध किलो ट्रे पा भी ठाई तो इन क्वान्टिटी में ठंडी, ठीक है। थोड़ा इसका ऑयल है वो पानी ड्राई कर लेते हैं, इसमें डालते हैं हाफ कप कुकिंग ऑयल, ठीक है। हाफ कप कुकिंग ऑयल चला जाएगा और उसके बाद इसमें हमने सबसे पहले चिकन को गोल्डन फ्राई करना है। जब भी चिकन कढ़ाई बनाए उसको फ्राई किया करें, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है और वो कच्चापन ख़त्म होता है। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं मसाला बना के फिर चिकन डाल के भूनते हैं फिर उसमें पानी डाल के, इस तरह नहीं बनाया करें, ठीक है। आधा कप हमने ले लिया यहाँ पे कुकिंग ऑयल, इसमें हम डालेंगे आधा किलो चिकन या तीन पाव चिकन कढ़ाई कट, छोटी बोटियाँ करवाइएगा उसको बोलिएगा कि कढ़ाई कट कर दें, ठीक है। आधा किलो कढ़ाई कट ही रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई टाइप है जो तुम बाहर खाइंदा रेस्टोरेंट्स में नहीं। कॉल बैठूँ तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सायरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी सायरा, क्या हाल है आपके? बस सर आप सुने आपकी रेसिपीज में करती रहती हूँ, मतलब देखती भी हूँ बनाती भी हूँ, बहुत अच्छी बनती बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो मुझे नया बनाया था एक वो करंट पुलाव, आप बना देंगे? करंट पुलाव जी, करंट पुलाव। कौन सा कलर पुलाव? कलर नहीं, करंट, करंट पुलाव, करंट पुलाव। छोटी सी किशमिश जलती है उसमें ब्लैक कलर की। नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, करंट जी, करंट पुलाव उसको बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं मटन का बनता है, ठीक है, इसमें किशमिश ऐड होती है। मैं ठीक है देख लूंगा रेसिपी तो फिर इंशाल्लाह बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हाँ बड़े बड़े नाम है भाई डिशेस के हैं जी। नहीं पता नहीं, नहीं वो पता है क्या रेस्टोरेंट्स के या कुछ शेफ्स होते हैं वो अपने नाम फिर ऐसे रख देते हैं रेसिपीज के, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब से नाम होते हैं। हाँ होता है, जैसे अभी भी किसी बहन ने कहा था ना किसी रेस्टोरेंट की वो इस तरह होते हैं, हैं खुशी, ये रेस्टोरेंट वाले अपना नाम रख देते हैं वो करने की प्रमोशन करने के लिए। अच्छा यहाँ पे हमने चिकन डाली है, इसको पलट दें एक दफ़ा ताकि ऑयल में अच्छी तरह फ्राई हो जाए, कवर कर दें ताकि चिकन अपने ही पानी में और ऑयल में फ्राई हो जाएगी, गल जाएगी और फ्राई हो जाएगी, ठीक है। पानी नहीं डालेगा चिकन में। बीफ और मटन की अगर बनाएंगे इस तरह की कढ़ाई तो बीफ और मटन आपने बॉयल करके उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। आधा किलो या तीन पाव बीफ लेंगे बोनलेस या मटन लेंगे, मटन तो हड्डी के साथ भी बनता है, ठीक है। उसके आपने क्या करना है फिर उसको डेढ़ गिलास पानी डाल के कढ़ाई में ही गला लें, जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर उसके बाद आपने हाफ कप ऑयल डाल के फिर उसको फ्राई करना होता है जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, ठीक है। मटन या बीफ में गेहूं के गोश्त में ठाईंदो तो बूटियों नंढियों करी उनमें डेढ़ गिलास पानी विझी कवर करे छो, जैसे गोश्त सफा गरी वो कढ़ाई में पानी खुश्क करे छो, पानी फिटो ना करो, जो पानी सफा खुश्क थी वो उनका पो इनमें ऑयल विझी इनके फ्राई कर जो। लेकिन चिकन में पानी ना विझबो है छाकाण में टमाटा विंदा चिकन जो पांजो पानी होंद है तो इनके मां मीडियम फ्लेम से कवर कर छो है, चिकन पांजे पानी में ही गरी वी नंढे साइज की बूटी होंद, ठीक है। बिरयानी जी रेसिपी रिपीट कराया पे अंडन जी बिरयानी ठाए पे बॉयल एग्स छह अदद बॉयल करे सख्त रखी छजो छिले, ठीक है। अध कप ऑयल गरम कयो उनमें एक गंड बसर जी वडी या नंढी गंड बसर जो गोल्डन फ्राई कयो गड गरम मसालो साबित विझी छजो एक खाण जो एक चाय जो चमचो अछो जीरो एक चाय जो चमचो साबित कारा मिर्च वडो फोटो एक अदद नंढा फोटा चार का पंज अदद, ठीक है। लौंग चार का पंज छह अदद विझी छजो दाल चीनी जी एक डंडी विझी छजो तेज पत्तो होंद वो एक अदद विझी छो पत्तो वडवारो, ठीक है। उनके फ्राई कर जो बसर से गड गोल्डन करो अदरक थूम जो पेस्ट ब खंड जहाँ चमचा विझी हल्की खुशबू अचे ब अदद टमाटा नंढे कटिंग करी विझी छो टमाटा नरम थियन बाहि हल्की करी उनमें पीठल गाढ़ा मिर्च कुटियल गाढ़ा मिर्च हेड एक एक चाय जो चमचो कुटियल कारा मिर्च अध चाय के चमचे का थोड़ा घट लूण डेढ़ चाय जो चमचो विझी मसाले की चंगी तरह विझ हाँ पीठल धाणा टे चाय जहाँ चमचा या ब खाण जहाँ चमचा विझी मसाले की चंगी तरह भुनणो है जैसे उनको खुशबू मथे अचान लगंदी उनमें बेदा विझी छो बॉयल बेदा विझी उनके फ्राई कजो चंगी तरह मसाले में भुनजो ना सॉरी पहली दही विझो एक कप दही फेटे वो विझो दही की चंगी तरह भुनणो मसालो ग्रेवी सुठी कोड़ में तैयार थी बेदा विझी छो
गॾु सावो मिर्च हिकु अधु चॉप करे विझी छॾिजो ऐं जायफल जवैत्री जो पाउडर आहे त हिकु चांहि जो चमचो ज़रूरु विझो, न आहे त हुनजे बग़ैर बि ठही वेंदी जी। हुनखे चङी तरह भुञणो आहे, पोइ हुन में चुल्हो हल्को करे मथां सावा धाणा फूदनो अधु अधु कप मथां चॉप करे विझिजो, अदरक पारचन में करे विझिजो ऐं सावा मिर्च छह अदद विझी मथां बॉयल चांवर विझिजो ऐं हुन खां पोइ मथे ज़रदे जो रंग खीर में थोरो मिलाए विझी छॾिजो, केवड़ा वॉटर थोरो हिकु चांहि जो चमचो विझिजो ऐं हिनखे कवर करे छॾिजो। 25 मिंट में बिरयानी तयारु थी वेंदी। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। मूंखे ही त ॿुधायो तव्हां छा छा ठाहियो पिया अॼुकल्ह सियारे में? सर्दी में मसरूफ़ आहियो छा? मूंखे हिकु ॿ शयुनि जो नालो ॿुधायो हिन लास्ट वीक में तव्हां छा ठाहियो आहे? तव्हां लज़ानिया ठाहियो? जी हा दादा ठाहियो, तव्हांखे मां ॿुधायो पियो त तव्हां कयो, तव्हां पिचर नथो ॾेखारे सघां, जेसिताईं अलाउ कोन्हे। हा असल में हिते आहे कोन अहिड़ो सिस्टम, त इनशाला कंदासीं की तव्हांजी पिक्चर्स अचनि त पोइ असां ऑन एयर ॾेखारूं इनशाला। जी हा इनशाला, ऐं अदा मसाला इलाही सुठी डिशेस हूंदियूं आहिनि तव्हांजो, ऐं ॿियो अदा हुन में अंडनि जो जेको हलवो थींदो आहे उन रेसिपी ॿुधायो या अदा। अंडनि जो हलवो मां अनम ठाहिण सेखारियो जॾहिं सियारो स्टार्ट थियो हो, मुंहिंजे हमें नवंबर जे स्टार्ट में ई मां अंडनि जो हलवो ठाहियो। हाणे तव्हां पेज ते ॾिसी वठिजो, मूंखे मैसेज करे वठिजो, मां हुते वरी तव्हांखे शेयर करे वठंदमि। ठीकु आहे, छा शइ अनम? अच्छा, चांवर हिन जा जेके असां मथां विधा हुनजे बॉयल करण जो तरीक़ो ॿुधाए छॾियां। अधु किलो चांवर बासमती आहिनि त 15 मिंट पिसाइजो, सेला चांवर में ठाहियो पिया त अधु ॾेढ खां ॿ कलाक पिसाइजो। पाणी बॉयल कजो, 3-4 जग पाणी खुलो बॉयल कजो, हुन में 1 खणी जो चमचो ऑयल ऐं 1.5 खणी जो चमचो लूणु विझिजो। पोइ पाणी में जो बॉयलिंग ईंदी पोइ चांवर बि छॾिजो। सेला चांवर ईंदा 15 मिंट बॉयल कजो, हू टुटंदा न आहिनि, ख़तरो नथो हुजे। बासमती चांवर ईंदा 6-7 मिंट हाफ कनी अधु कचा पका बॉयल करे कढी वठिजो, छाकाणि त दम ते बि वेंदा आहिनि त वधीक भुरिजी वेंदा। छाणी में छॾिजो, पाणी निकिरी वञे, पोइ मसालो ठाहे मथां चांवर जे तरीक़े सां विझणो। ठीकु आहे, हिते चिकन असांजी फ्राई थिए पई, पाणी चिकन हाणे हिन में छॾियो आहे चङो ख़ासो, ऐं हिन ई पाणी में हीउ चिकन गरी वेंदी। ठीकु आहे, चिकन ने पानी छोड़ा हुआ और इसी में ये चिकन गल जाएगी हमारी। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले जाएंगे, साथ ही फिर हम इसमें चाय भी रखेंगे ब्रेक के बाद, बादाम की चाय, बहुत ही मज़ेदार। बहुत सारी चाय आपको बनाने सिखाई, कॉफ़ी बनाने सिखाई, क्रीमी कॉफ़ी रह गई एक दो किस्म की, और कैपेचिनो होता है वो बनाऊँगा इंशाल्लाह कमिंग डेज में। ये सारी चीज़ें कम्प्लीट करेंगे, कुछ हलवे रह गए, पराठों की बहुत सारी वैरायटी है और आप लोग की फरमाइशें भी आती जा रही माशाल्लाह से, तो वो भी पूरी करते रहेंगे। ठीक है, हाँ वो रह गया, वो भी बनाऊंगा। लहसुन एक डिश होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, बाजरे के आटे में हरी लहसुन के साथ, वो खालिस घी, अगर खालिस घी ना तो बटर में बना सकते हैं, तो वो रेसिपी बनाऊंगा। भुरता बनता है इसके साथ, ये बड़ी ज़बरदस्त मेमनी डिश है, और भुरता बैगन का बनता है, रायता बनता है, और ढोकरे होते हैं, ढोकरे तो बना के गई थी ना, क्यों मरवा रहे मुझे दोबारा? हमारी गेस्ट आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी ढोकरे की, तो मैं इंशाल्लाह फिर बनाऊँगा। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ठीक है, ब्रेक जो टाइम थी पोइ जेसिताईं चिकन असांजी फ्राई थी वेंदी, बिरयानी असांजी तयारु थी वेंदी, बिरयानी खे डिश आउट कंदासीं, ब्रेक खां पहुची बदाम जी चांहि ठाहींदासीं। वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको बिरयानी ठहे पई उहो बिल्कुलु तयारु थिए पई, दम ते आहे, मां चूल्हो थोरो तेज़ कयो ताकी जो दम अची वञे। हिते चिकन असांजी फ्राई थी वई आहे, ठीकु आहे, चिकन हमने कवर कर दिया था ताकी चिकन का पानी अपना निकले, उसमें चिकन गल जाएगी, क्योंकि चिकन गल जाती है हड्डियों के साथ स्टीम में, फिर ऑयल में ये फ्राई हो गई। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 खाइण जो चमचो अदरक थूम जो पेस्ट भरे विझंदासीं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 6-8 अदर टमाटर, 1/2 किलो, 1.5 पाव से 1/2 किलो टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम, कह रहे हैं कितना गलायो पा दी? हां संधिया उमर कोट मां जी, अदी छा हाल है ता जा? ठीक से काम दा दा, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक अदा का, थैंक यू सो मच, ता मुझे फरमाइश पूरी कई कढ़ाई जी। जी जी कढ़ाई जी मु कई। हां हां मुखे याद अछि, ता कई जरूर ठाए जो, ठीक है, इनी तरीके सा।
हाँ वैसे भी ऐसा रिपीट जेके भी तां ठाईंदा आहियो वैसे भी ट्राई कंदा आहियो बी वगैरह राइतो सब असा ट्राई जी जी तां बुधाईंदा भी हो मखे ट्राई कंदा आहियो ता ही तां जी फरमाइश हुई सुठो थियो तां कॉल करे बुधाई छियो के दिसो पिया ओके जी अलाफ एक अदद हरी मिर्च भी साथ डाल दिया करें ठीक है एक अदद साओ मिर्च को रेस्टोरेंट में सा कढ़ाइयों ठाईंदा में जेको सुठो कड़ो फ्लेवर इंदो छासा इंदो है साओ मिर्च जरूर कढ़ाई सा गड जडे असा जी इंदी जो अरोमा वो घर में डिफरेंट ठांदो है पैकेट सा जो डिफरेंट हुंदो है ये जेको रेस्टोरेंट से ता खाइंदा है उनमें चाहंदो इनी तरीके से ठांदी है पहले चिकन के चंगी तरह फ्राई कबो है उनका पो जडे चिकन गरी विंदी गोल्डन कलर थी विंदो है उनका पोए इन जे अंदर टमाटा विज अदरक तुम जो पेस्ट विझबो है उनके मिक्स कबो उनका पोए इन में टमाटा विझबाइन आई टमाटा विझी कवर करे छडबो है गडी साओ मिर्च विझबो है साए मिर्च का ही इनमें कलर अचे तो खुशबू अचे थी ठीक है रेस्टोरेंट स्टाइल की जो कढ़ाई बनती है जब चिकन हल्की आंच पे अपने ही पानी में और फ्राई हो गई गल गई गोल्डन कलर आ गया उसके ऊपर लेयर आ गई अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया उसको हल्की सी खुशबू आ जाएगी फिर आपने आधा किलो कढ़ाई है तो उसमें 1.5 पाव चिकन है तो 1.5 पाव टमाटर डालें अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी तो आधा किलो तक तीन पाव 750 ग्राम चिकन है तो फिर आधा किलो टमाटर डालें तो टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखा करें जैसे आधा पाव कम होनी चाहिए उस वजन से तो 1.5 पाव इसमें टमाटर हैं आधा किलो चिकन है ठीक है तो एक अदद हरी मिर्ची भी चॉप करके डाल दें उससे खुशबू आती है जब हरी मिर्च इसमें फ्राई होती है बिरयानी हमारी हो गई है डन बिरयानी असि जबरदस्त तैयार थी भैया इनके असा क्यों था डिश और सुठी खुशबू अचे पी वो इन पास रखासी चाय बादाम की चाय इसको मैं रखता हूँ ताकि आप लोग देख सकें और फिर इसे मिक्स करके निकालते हैं और जब भी बिरयानी बनाते हैं उसके बाद फ़ौरन स्पून ना चलाएगा स्टीम निकल जाए उसके बाद आप इसकी मिक्सिंग क्या करें ठीक है वरना क्या होता है चावल आपके टूट जाते हैं ॾिसो कलर केॾो सुठो अची वियो आहे ऐं कवर हटाइण खां पोइ 5 मिंट छॾंदा कयो बिरयानी खे फ़ौरन चमचो न हलाईंदा कयो हुनखां छा थींदो आहे बिरयानी तव्हांजी फ़ौरन चांवर टुटी पवंदा आहिनि ठीकु आहे यहाँ पे टमाटर को हल्का सा चॉप करके मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ ताकि टमाटर इसमें और अच्छे गल जाएँ उसके बाद हम यहाँ पे बिरयानी को मिक्स करके डिश आउट करते हैं हाँ बिरयानी को डिश आउट करते हैं अच्छा बिरयानी इस तरह आराम से खोलें ताकि चावल आपके टूटे ना और मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अंडे में 2-3 निकाल के रख रहा हूँ उसके ऊपर कटिंग करके रखेंगे ठीक है ॾिसो अंडन के मथा कलर अची वही देखें इस तरह का कलर आ जाता है जैसे आलू के ऊपर आता है ये मसाले ये होते हैं मज़ेदार अंडे अगर आप बॉयल करके डायरेक्ट रखेंगी तो उस पर वो लुक नहीं आएगा ना वो टेस्ट आएगा उन अंडों में ठीक है ये देखें इस तरह मैंने निकाल दिए ताकि ये अंडे हम कटिंग करके इसके ऊपर रखेंगे ये हमारी होगी बिरयानी ठीक है ज़्यादा मिक्स नहीं कर रहा हूँ ठीक है इस तरह ज़्यादा मिक्स करने से क्या होता है फिर वो बिल्कुल अजीब सा उसका टेक्सचर आना शुरू हो जाता है ठीक है साबित गर्म मसाला भी इसमें आ रहा है और ये मज़ेदार भी अगर आपको साबित गर्म मसाला नहीं पसंद है तो फिर आप वो ना डालें लेकिन उससे क्या होता है साबित गर्म मसाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जी कॉल बैठूँ था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अदी कह रहे हैं कितना गलाया पाया जी अदा मराठी गलावा जी को चाची जी को जी अदी को चैन चाहिंदो जी अदा मजा पे कोफ्ता भी असा के चैन से खाओ ना कभी केड़ा कोफ्ता कोफ्ता चिकन जाओ जन मटन जाओ जन नरगिसी कोफ्ता जी जी अदा हां बॉयल अंडन में ठंदा है ठीक है मैं इंशाल्लाह जल्द ठाई दंदा मैं सुठी रेसिपी है सारे जे हिसाब का ना जी जी अदा तो जो कोफ्ता से खाया चिकन इंशाल्लाह इंशाल्लाह दी जल्द ठाई दंदा ठीक है दी सही है थैंक यू अल्लाह हाफिज ये हो गए हमारे राइस तैयार बिरयानी यहाँ पे कढ़ाई भी हमारी हो गई है इसको साइड में करते हैं फिर इसके ऊपर अंडे काट के रखते हैं और फिर क्या करेंगे कि चाय रखते हैं साथ साथ ताकि टाइम हमारा बच जाए ठीक है बेटा इस तरीके से वो पीस में कटिंग के यहाँ पे गर्म है इसको पकड़ के बस 2-3 अंडे काट के सिर्फ गार्निशिंग की वजह से मैंने कटिंग की है बाकी आप ऐसे ही रख दें ठीक है ये हो गई हमारी अंडों की बिरयानी रेसिपी तैयार थी वही जबरदस्त असि अंडन की बिरयानी इनके क्लियर क्यों था हाँ टमाटा सफा गरी वा टमाटा जैसे गरी वा तो पानी छड़ा ठीक है
हुन में ही भी चिकन जेका कच्ची हुंदी आ थोड़ो कसर रहजी वेंदी आ त ओन में कंप्लीट थी वेंदी आ ठीक है। ये हो गई अंडो की बिरयानी, इसको मैं सेट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद देखिए अंडों की बिरयानी हमारी ज़बरदस्त। और अब आते हैं चाय पे, पहले इसमें मसाले डाल दें। जडे हिन टेक्सचर में अच्छी बने कढ़ाई, ठीक है। जब कढ़ाई आप देखेंगे इस तरह हो जाए, टमाटर बिल्कुल गल जाए, तो टमाटर को इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है इस तरह, हल्का हल्के चोट मारें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, टमाटर नरम थी वे हाँ इनके अंदर जो मसाला विझंदी कढ़ाई में वो तुम नोट कजो। अब इसमें क्या मसाले जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और इसके साथ काली मिर्च का पाउडर आधा चाय के चम्मच से कम, नमक आधा चाय का चम्मच, और उसके बाद धनिया पाउडर जाएगा एक चाय का चम्मच। छाछा विधवा वरी नोट कजो, कुटियल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, ठीक है, कुटियल कारा मिर्च अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, ये सब विधा मसाला अच्छो जीरो पीसे विझो, कुटे विझो, पाउडर ठाए अच्छे जीरे जो सादो जीरो भुनियल ना कच्चो, हाँ उनके तुम विझी इनमें मिक्स कंदा, टमाटा चंगी तरह सॉफ्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पे मसाले डाले हैं और इसको भूनना है मसालों को ताकि इसका कलर आ जाए, उसके बाद गरम मसाला जाएगा, कसूरी मेथी, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर माँ ही मुझे मोबाइल साइलेंट कोने तही बजी हुआ तो है, माँ थोड़ो बंद कर छा, आज मेरे मोबाइल साइलेंट नहीं किया अपना। अच्छा मसाले को हमने भून लिया अच्छी तरह, यहाँ पे हम रखते हैं चाय, ठीक है, गुड़ वाली चाय। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 कप दूध, टेट्रा पैक है तो बॉयल करने की ज़रूरत ना है, ठीक है, डब्बे वार हुआ है तो बॉयल करने की ज़रूरत ना है, 1 कप पानी, 2 कप खीर, 1 कप पानी, 2 कप इसमें जी हाँ 2 कप दूध, 1 कप पानी डाल दिया, उसके साथ मैं इसमें चीनी डालूंगा 3 चाय के चम्मच, 3 कप हैं, ट्रे चाय जा चमचा खंड छाखंड ट्रे कप चाय आए, ठीक है, उनसे अगर पत्ती अध चाय के चमचे का थोड़ी बराबर में लेवल में विझो जी ताकि सुठी लगे, 1/2 टीस्पून या जितनी आपको अच्छी लगे, मैंने इसमें डाल दी है पत्ती, 3 चाय के चम्मच चीनी, पत्ती अपने ज़रूरत आपने डालनी है, ठीक है, उसके साथ इसमें 1 कप पानी 2 कप दूध है, ठीक है, पत्ती चली गई, छोटी इलायची 5 से 6 अदर डाल दें तोड़ के ताकि इसका अरोमा आ जाए, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, बादाम पिसावा बादाम 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून जितना, 6 से 8 बादाम ले लें, उसको पीस के और उसका पाउडर बना के ये डाल दिया, ठीक है, बादाम विझी छड़िया इनके अंदर, एक फ्राई असानी थी पे चिकन चंगी तरह के फ्राई कबवाने, अच्छी तरह इसको फ्राई करें ताकि टमाटर इसके बिल्कुल गल जाएं, टमाटरों को अच्छी तरह आपने मैश करना है, ठीक है, टमाटर चंगी तरह गरी वा, 1 कप पानी, 2 कप खंड 2 कप खीर, 3 चाय जा चमचा खंड, अगर खंड शुगर पेशेंट आयो तो खंड ना विझो जो बगैर भी 1.5 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून बादाम जो पाउडर और पत्ती पंजे हिसाब से नंडा फोटा 4 का 6 अदर विझी इनके हल्की बाहे से बॉयल कयो, जले चाय तैयार थी वही छाने इनके डिश आउट करके ठंडासी जी। कॉल वठो था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, के रहे किथा गलाओ पया जी? असा या सखर मा त गले नुशपुरी गलाया मा जी। यदि कुछ चैन चाहिदो जी, असा से पुछनो तो ये सुशी था हुंदिया छाशे? सुशी की डिश हुंदी है चाइनीज में। अच्छा वो पता ठाण सिखा तो असंगे? बिल्कुल ठाण सिखांदा सी, थोड़ो वेट करनो पेंदो ताके। केतरा दिन है? 2 वीक 1.5 वीक कमिंग वीक में दिसा तो सिखाय छंदम, ठीक है? अच्छा सही है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दही अब इसमें डाली, जब मसाला हमारा भुन गया, सुशी जो होती है इसमें दही डाल दिए, 2 से 3 टेबल स्पून दही आपने डाल देनी है लास्ट में, ठीक है, जब बिल्कुल टमाटर गल जाएंगे फिर आपने इसमें दही डाल देनी है। दही डाल के अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा इसको पकने देंगे, दही का पानी जब इसमें ड्राई होने लगेगा फिर हम इसमें क्या डालेंगे, कसूरी मेथी, चाय है तो बॉयल थी भैया चुल्लो बिल्कुल माहल को खेचे, कसूरी मेथी, जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच हाथ से मसल के इसके अंदर डाल दें, कसूरी मेथी खुश्क मेथी 1 चाय जो चमचो, आई गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है, लास्ट में इसको फिर करेंगे मिक्स, बिल्कुल ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन रही है, सेम रेस्टोरेंट्स में जो बनती है वही वाली सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इतना गला दिया मैंने टमाटरों को कि बिल्कुल इसके अंदर मैश हो गए टमाटर के अंदर गरी गया, हाँ आखिर में असा विझंदी सावा मिर्च 4 अदद,
लंबाई में कटिंग करें, जूलियन कटिंग करके 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल देनी है लास्ट में, और इसको मिक्स करके आपने हरी मिर्चों के साथ इसको कवर करना है। जब हरी मिर्चों का कलर चेंज होगा 4 से 5 मिनट बाद इसको हम डिश आउट कर देंगे, और इस पर लेमन जूस थोड़ा जाएगा, अदरक जाएगी, हरा धनिया, इसको आपने कर देना। एक दफ़ा इसको बॉइलिंग देते हैं, और यहाँ पे हमारी हो गई हैं दोनों रेसिपीज ऑलमोस्ट डन। चाय निकाल लेते हैं, ठीक है, चाय थी भाई, आई चाय के कटोरे कप्स में जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक साईं, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शेर जान लगारी बाबू से। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे हमें रसगुल्लों की तरकीब बताए। रसगुल्ले बनाना सिखा दें? ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं बनाना सिखा दूंगा। ठीक है थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू, लाफेस। ठीक है, बादाम की चाय हो गई तैयार, बिल्कुल ईजी है। अगर पानी ना मिलाए तो आप दूध में ही बना सकते हैं जस्ट, ठीक है। लेकिन पानी से क्या होता है, चाय का अपना एक जो होता है जायका वो आता है। एक कप ये तकरीबन 3 कप के करीब बन गई, ठीक है, ये बड़े हैं कप्स, इसलिए 3 कप्स। आई छाने चल जो बादाम जो तो जायकों के अंदर हली हुआ है, पाउडर फॉर्म में आए, और बाकी मथा का नंढा फोटा है, उनकी खुशबू अची वी तमाम सुठी ही, इनके थोड़ा मिक्स कजो ताकि पत्ती आई चाय बादाम जो पाउडर जो वो शायद इनमें अच्छे ये हो गई। ठीक है, हमारी कढ़ाई भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, चाय में मैं रखता हूँ और इसके बाद हम कढ़ाई निकालते हैं। ठीक है, सुबह ये चलता है रिपीट 11 बजे। चाय आई सियारे में अस चाय हो वरी की पे सियारे में अज छाती है मुसा सब सही किरण पे सियारे में जेका चाय ठंदी है वो तमाम बेहतरीन डिफरेंट किस्म की चाय अस चाहिंदा हूं के पियूं, तो इन करे ताके चाय ठाए सिखा रहे पे ताके ता इनके एंजॉय कर सको चाय के। ठीक है, ये हो गई हमारी चाय बादाम वाली, और इसके साथ होगी अंडों की बिरयानी, और कढ़ाई हम निकालते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई जो तुम वहीं खाईंदा हो। ठीक है, बादाम वाली चाय जरूर ठाए जो, आई गुड़ वाली तांके चाय ठाण सिखारी है, आई अदरक वाली चाय भी रहजी वही है वो भी तांके इंशाल्लाह सिखार भी। अदरक वाली चाय भी तमाम सुठी ठहंदी है, मज़ेदार होंदी है, डिफरेंट किस्म की चायूँ होंदी है, हर मानू पानी हिसाब से ठाईंदो। कढ़ाई में जैसे साई मिर्चन जो कलर चेंज थी वो तो उनके असा कटी वठंदासी। ठीक है, कढ़ाई में जब हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए तो फिर कढ़ाई आपकी बिल्कुल डन है, क्योंकि गोश्त वगैरह हर चीज़ गल चुकी है। और सुबह ही रिपीट में देखिए कोई चीज़ समझ नहीं आती, पेज है मेरा कुकिंग विद शेफ एसएफ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कढ़ाई हो गई तैयार। ठीक है, इसको बंद करते हैं चूल्हा, बिल्कुल इसका कलर देखें बिल्कुल वही आ रहा है जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेमन जूस, बहुत से लोग नहीं अवॉइड करते हैं लेमन जूस, बहुत से लोग लेकिन रेस्टोरेंट्स में जो कढ़ाई होती है उसमें डलता है, 1 टीस्पून लेमन जूस जाएगा। ठीक है, एक चाय जो चमचो लीमे जो रस वो आहिन कढ़ाई के असा डिश आउट करता छूँ बी कढ़ाई में। हमारी हो गई बिल्कुल ज़बरदस्त, इसकी खुशबू आ रही उसी तरह जैसे रेस्टोरेंट्स में हम जाके खाते हैं। ऑयल की क्वांटिटी यही रखिएगा, कम नहीं कीजिएगा, अगर ना पसंद हो बाद में आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले ऑयल कम नहीं रखना है वरना चिकन कढ़ाई का वो फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो ऑयल घटना का जो न तो चिकन कढ़ाई में तो फ्लेवर ना ही जो अस रेस्टोरेंट्स में खाई। सावा धाणा आखिर में सफ़ा थोड़ा सा, और अदरक फाइन जूलियन कटिंग की भी। ठीक है, ये हमारी हो गई चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, और उसके साथ हमने बना दी चाय बादाम वाली, और उसके साथ मैंने बनाई है बिरयानी जो बनी है अंडों की। ठीक है, ये असांजी थी बिरयानी है चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, ये असांजी बादाम वाली चाय। ठीक है, ये हो गई 3 चीज़ें आपके सामने, और सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ एसएफ, मेरा पेज है, मेरी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। कोई चीज़ समझ ना आए आप पेज पे मैसेज कर सकती हैं, वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी यूट्यूब पे, आप सर्च करें कुकिंग विद फैसल,
इस तरह भी सर्च कर सकती हैं और सिन टीवी एचडी के उससे भी आप सर्च कर सकती हैं मेरी वीडियोस। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रेसिपीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुबह 11 वगे रिपीट हलो 12 हलो हाँ चेंज थी टाइम पाँच खोड़ सारा ख्याल रखो। आई रिपीट के अलावा पेज है मुझे कुकिंग विद शेफ फैसल उसे रेसिपी अपलोड थी वीडियो ऐसा ला सर्च कर सिन टीवी एचडी कुकिंग शो या फिर कुकिंग विद फैसल तुम सर्च कौ यूट्यूब से मुझे रेसिपीज मिली वेंदी। पाँच खोड़ सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह सुबह वही मुलाकात थी नई रेसिपीन से दुआओं में याद रखो। अल्लाह। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो। मॉर्निंग शो सलाम सिन जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी। हाणे सिंध संगीत जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी। ड्रामा सोप सीरियल जीवन दर्द कहानी जा तमाम एपिसोड हाने डिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी ड्रामा।